इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है टेस्ला, पर इंडियन मार्केट का तो अलग ही है सिलसिला। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इस सेक्टर में अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी है तो क्या इसको एक स्केल फैक्टर पे बनाया जा सकता है? कभी भी एक बड़ा प्लेयर आएगा वो हमेशा 100x के मल्टीपल की बात करेगा कि मैं एक साथ 5000 व्हीकल्स लेके आऊंगा। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसमें पूरा डाइवर्सिफाई है। 2022 में आपको डाइवर्सिफिकेशन क्यों चाहिए? 150-200 साल लग जाएंगे आपको ये बिजनेस बनाने में। अभी हम सिंपल धंधा चला रहे हैं, बट बेसिकली जो सिंपल रूट ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ होती है उस पर हम आने वाले हैं। हम हमारे कार्गो के बॉक्स में कैमरा लगाने वाले हैं जिससे कि अपना वो कार्गो मॉनिटर कर सकता है। आप ईवी भी खुद से बनाओगे, आप फाइनेंसिंग भी खुद से करोगे, आप चार्जिंग भी खुद से करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलोगे भी खुद से। देयर आर टू मेनी थिंग्स यू आर डूइंग। अभी आप थोड़ा सा अर्ली हैं किसी इन्वेस्टर को लाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि इन तीनों को आप एक साथ बनाना चाहते हो, मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विच इज वाई आई एम आउट ऑफ दिस डील। जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन हमारे भारत में खास तौर पर दिल्ली मुंबई जैसे जो मेट्रोज हैं वहां पर यही संख्या 30% से भी ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मोड़ने लगे हैं, लेकिन गुड्स कैरियर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का क्या? इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं आदित्य कुमार। सो प्लीज वेलकम ऊर्जा बोल्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है टेस्ला, पर इंडियन मार्केट का तो अलग ही है सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। और मैं हूं हेमंत बिस्ट, और हम मिलकर शुरुआत कर रहे हैं ऊर्जा बोल्ट। बेसिकली हम B2B सेक्शन, डिलीवरी सेक्शन में, लॉजिस्टिक साइड में कार्गो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्राइवर की सर्विस दे रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी शून्य कैंपेन में रजिस्टर्ड है जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के नीति आयोग के अंडर एक लिस्टिंग प्रोसेस आता है, तो शून्य में हम एक लिस्टेड पार्टनर हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2018 में। ये तब का समय है जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था इरमा से आनंद गुजरात में, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर। वहाँ पे हमारे कॉलेज में 40 से 45 दिन का एक विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट होता है जिसमें मैं वलसाड में जाके पोस्टेड था। वहाँ पे हर शाम को मैं देखता था एक मामा भाई नाम का आदमी आते थे और वो 25 से 30 रिक्शे वालों से आके दिन का दिहाड़ी लेके जाते थे। और वलसाड के लोग ये रिक्शे नॉर्मल पैडल वाले रिक्शे नहीं थे, वलसाड वालों की भाषा में ये इन्वर्टर वाले रिक्शे थे। तो ये ई रिक्शे सिर्फ पैसेंजर मूवमेंट के लिए नहीं बल्कि कार्गो मूवमेंट के लिए, ढाबों से रिटेल स्टोर्स के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि अब मामा भाई जब धंधा चला रहे हैं उनके लिए चाहे व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी पे चले या हवा पे चले, उनको मेन है पैसे का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इस सेक्टर में अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी है तो क्या इसको एक स्केल फैक्टर पे बनाया जा सकता है? और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार क्यों उठा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा FMCG डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे था, अमूल के साथ काम करें, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्वेरीज हम सुनते थे, कैसे आजकल CNG डीजल है, टेम्पो इस्तेमाल करते हैं, नॉट एवरीबडी ओन्स देम, सबका अपना नहीं होता है, CNG डीजल के रेट ऊपर जाए जा रहे हैं। तो ये था। और दूसरा एक सवाल दिमाग में और आया, क्या इसको हम टेक और एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के साथ एक स्केल मॉडल पे बना सकते हैं? तो 2 महीने तक हमने दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए। तो उससे ये कॉन्क्लूजन निकला कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर्स को माल भेज रहा है उसके साथ डिलीवरी का प्रॉब्लम है, चैलेंज है। पहला प्रॉब्लम यह है कि जो यूसेजेज हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हैं, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन वो उसका यूज़ कर रहा है। इतने हाई फ्रीक्वेंसी यूसेजेस होने के बावजूद भी उसको ट्रांसपोर्टर की मनमानी झेलनी पड़ती है और प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाता है। दूसरा जो उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है वो मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है उसका। एक वो कहता है कि मेरा काफ़ी सामान इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि मेरे पास ड्राइवर का कंट्रोल नहीं है। तीसरी चीज़, उस व्हीकल की कोई ट्रैकिंग नहीं है, जब वो फोन करता है कि यार माल मेरे रिटेलर का फोन आ रहा है तूने पहुंचाया नहीं, चूंकि वो ट्रांसपोर्टर का व्हीकल है तो वो फोन उठा के कहता है कि सर मैं तो अभी रस्ते में हूँ, व्हाटसो एवर। तो इन दोनों पॉइंट्स में हमने ये देखा कि चूंकि व्हीकल पे और ड्राइवर पे डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल नहीं है, उसने वो ट्रांसपोर्टर का लिया हुआ है, तो क्या हम इस मार्केट में प्राइस का और सर्विस का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं क्या? सो उसके बाद मैंने कहा लेट्स स्टार्ट, कुछ मॉडल क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली मतलब इसमें हमारे ये समझ तो आ गया था रिक्वायरमेंट है। अब पहला क्वेश्चन था व्हीकल कौन सा, वो हम बहुत क्लियर थे, जो मैंने वलसाड में मामा भाई देखे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ करना है तो ये हम बिल्कुल क्लियर थे। बट सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्राइस का।
अब प्राइस कॉम्पिटिटिव देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस पे भी चले, उनके लिए प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है। तो पहला था प्राइस का डिसीजन, किस प्राइस पे सर्विस दे। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट के अंडर कितनी सारी कंपनीज हैं, सब R&D में अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं, तो किस टाइप का व्हीकल इस मार्केट को सफाइस करेगा। यहाँ पे हमने देखा था थ्री व्हीलर की रिक्वायरमेंट है, तो उस सेगमेंट में कैसे हो सकता है। फिर उस पर आता है अभी व्हीकल चलाता कौन है, ड्राइवर, और ड्राइवर पे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन पूरे मॉडल को हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे और हमें पता था इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके साथ सर ये हम आपको देना चाहते हैं, हमारा पहला ऑफरिंग का ब्रोशर है। तो अभी दिल्ली में जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जो हमारा पायलट शुरू होने वाला है, 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शुरू होने वाला है। बेसिक उनके हमने प्रॉब्लम एजेंडाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको हमने सॉल्यूशंस भी ऑफर करे हैं। तो अभी दिल्ली में हम पर डे 1600 रुपये में 1 टन की कार्गो कैपेसिटी का इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्राइवर के साथ दे रहे हैं। साथ में डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रैकिंग सिस्टम, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम मिल रहा है, जिसमें वो व्हीकल की कभी भी लोकेशन देख सकता है। ड्राइवर का डाउन टाइम कवरेज हम दे रहे हैं। और मोटा मोटा एक और चीज़ सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी पेट्रोल पंप्स नहीं बने हैं, भले ही चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं, सब गाड़ियों की तरफ और इस तरफ जा रहे हैं, टू व्हीलर और इन सब में इतना ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का भी क्वेश्चन आता है कि बैटरी डाउन हो गई कैसे करेंगे, आपका सुबह चार्ज होकर आएगा कैसे होगा। हम अपना स्टेशन मीटर भी सेटअप कर रहे हैं, तो बेसिकली मीटर हमारे नाम पे होगा और व्हीकल उस पर चार्ज होगा। डिस्ट्रीब्यूटर को मात्र हमें सिर्फ 1600 रुपये पर डे का देना है। आगे आने वाले जो प्लान है उसमें हम अगर हम इस मार्केट को देखें कि अगले 5 साल के अंदर, इस साल का हमारा सिर्फ डेली का टारगेट है 200 व्हीकल्स को ऐड करने का, अगले 5 साल में वी आर प्लानिंग फॉर 7000 व्हीकल्स। ये मॉडरेटली एग्रेसिव लग रहा है, बट वी थिंक दैट वी कैन डू दैट, पहली चीज। दूसरा ये कि ये 7000 व्हीकल से जो हम चार्ज कर रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग दैट वी आर एक्वायरिंग। जो इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमारे पास होगा, वो हमारी एक रियल वेल्थ होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईवी इंडस्ट्री के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इतनी R&D हो रही है, हर डे व्हीकल के चेंजेस आ रहे हैं, बैटरी चार्जिंग सॉल्यूशंस पे सारे R&D चल रही है। बट जब इतना सब कुछ पुश चल रहा है, देयर शुड बी वन प्लेयर, दोज हू आर रीचिंग आउट टू दूसरे, जो एक्चुअली उसको यूज करेगा। तो वी वॉन्ट टू बी यू नो पोजिशन, हम एक ऐसे प्लेयर की तरह अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं जो इस गैप को भर सकता है। इसमें हम पूरा टेक एंगल भी इनेबल करेंगे साथ में। अगर सिंपली हमने पूरा डिटेलिंग के हिसाब से करा है कि पहले साल के पहले क्वार्टर में धंधे का सिंपल फोकस है, जो मैंने 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बताए, उसके साथ टेक एंगल भी हम और इनहाउस डेवलप करेंगे। एंड इस बेसिस पे हमारा जो आस्क है 10% लिक्विडेशन के लिए 5 CR का हमारा आस्क है। कुछ सवाल है मुझे। सबसे पहले तो ये बताइए, आप अपनी ईवी व्हीकल सोर्स कहाँ से कर रहे हैं? मैम बेसिकली जो अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल उठा रहे हैं, ये हमारे SN इलेक्ट्रिको के साथ एक साइन अप हुआ है। ये जो कार्गो की कैपेसिटी है इसकी 800 kg कैपेसिटी है। इट्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन द मार्केट, क्योंकि डब्बे के साथ, डब्बे का डायमेंशन भी 6x5 feet का है। अगर आप कंपेयर करते हैं बड़े नेम, सीधा आता है महिंद्रा और पियाजियो, वो 450 kg का माली ले जा सकते हैं, तो इसलिए हमने उसके साथ करा है। वो हमारे दिल्ली जोन में फरीदाबाद में एक असेंबलर है, उनके साथ हमने साइन अप करा है। और ये कॉस्ट क्या है पर व्हीकल? सो जो पर व्हीकल आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग जो हमारी कॉस्ट है 3,30,000 पड़ रही है। FMCG वाला कॉम्पिटेटिव मोड पॉइंट है या ईवी वाला मोड पॉइंट है या चार्जिंग वाला मोड पॉइंट है? क्योंकि चार्जिंग में तो ऑलरेडी मेरे पास आपसे बहुत बड़ा प्लेयर ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में, तो मुझे एक मोड पॉइंट बताइए जिस पे मैं 50 crore पे आऊँ। यस सर। सो सर बेसिकली अभी देखिए, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं, जो जैसे हमने जिनके साथ मल्टी क्यूब के साथ भी साइन अप करा है, वो ऑलरेडी उनका धंधा चल रहा है, उनके पास व्हीकल्स भी हैं एंड वो मतलब यहाँ पे आ रहा है। एंड जब आप बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं सर, तो एवरीबडीज मतलब जो मेजर फोकस जा रहा है ना, वो ई कॉमर्स की तरफ या डायरेक्ट टू कस्टमर की तरफ जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में वो कंपनी साइनअप्स की तरफ जा रहा है। हम जो डिस्ट्रीब्यूटर का पेन पॉइंट है, पहली बात तो हम 1-to-1 आउटरीच करके पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक फैक्टर बनता है। दूसरी चीज़ सर, जो चार्जिंग वाली चीज़ है, जो चार्जिंग मीटर वाली बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली में सर हमें मतलब उससे NOC लेके अपने नाम पे मीटर लगा के हम दे रहे हैं। ये वाली सर्विस अभी कोई और कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है उस पॉइंट पे। अगर वो चार्ज वाले भी बात कर रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी एंगल नहीं है हमारा, बिल्कुल क्लियर एंगल है। मीटर हमारे नाम पे 4 rupees per kWh में मैं दूंगा। तो जो मल्टीक्यूब डिस्ट्रीब्यूटर है वो पूरे ट्रस्ट फैक्टर पे आ रहा है ना, और ड्राइवर डाउन टाइम, ड्राइवर ट्रेनिंग हमारे हाथ में है। हमारे पास ड्राइवर्स का भी मतलब पूरा, इट्स नॉट जस्ट कि एक ड्राइवर लगा दिया भर्ती ऐसे करके, हमारे ड्राइवर्स में एसोसिएशन फैक्टर भी बना रहे हैं। हमारा धंधा जब वो चला रहे हैं तो एक क्वेश्चन उठता है कि थर्ड पार्टी पे कर लो ये सब, वो हमारे पेरोल पे वाले बंदे हैं। 3 महीने में उनको और उनके परिवार को इंश्योरेंस भी फैसिलिटीज मिलती है, उनकी ट्रेनिंग मॉडल चलते रहते हैं। तो ये सर जो सर्विस देने का फैक्टर है। ड्राइवर ट्रेनिंग मैंने जैसे कहा बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। हाँ, हर स्टेट में नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। हाँ, हर एक जगह स्किल सेंटर में ड्राइवर ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि हर स्टेट का स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपसे बदतर है और आप ही सबसे बेस्ट? सर, वो अपनी जगह अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे मतलब अब मैं अगर मॉडल की डिटेल में जाऊँ तो जो हमारे जो पहले 10 ड्राइवर्स आए हैं, 3 साल में हमारे जैसे व्हीकल यूसेज टाइम जो हमने लिया है, ऊर्जा ग्रो का कॉन्ट्रैक्ट 2.5 साल का,
मैंने 3 साल व्हीकल चलाना है, उतने में मेरा कॉस्ट रिकवरी और सब आ जाएगा। 3 साल में ये व्हीकल ड्राइवर के नाम है। आपने ये 3 साल व्हीकल चलाना है अज्यूमिंग कि क्रूड स्टेज एट $120 पर बैरल। अगर कल क्रूड वापस $40 पे आ जाता है और पेट्रोल वापस ₹70 या ₹80 पे आ जाता है, सडनली द मॉडल विल चेंज। Everybody will go back to the IC powered vehicles. Remember that. हमारा भी है कि एक बार धंधा स्टार्ट करके चला के वी कैन हैव द फैक्टर ऑन ग्राउंड, क्योंकि प्रेजेंस से बहुत चीजें मैटर करती हैं सर। ये हमारा मतलब अप्रोच उस तरह के। ठीक है, मेरे को 50 करोड़ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बाकी सब लोगों को मैं सर उसमें अगर मैं सिंपल लॉजिक बताऊं तो दिस इज समथिंग हम भी समझ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। मैं अगर सिंपल बताऊं, जो हमने रेवेन्यू शीट अपना 5 ईयर का मॉडल बनाया है उसमें जैसे पहले साल में जो 200 व्हीकल से अर्निंग आ रही है स्टेशन मॉडल और डायरेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, उससे हमारा जो अर्निंग आ रहा है उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उसके 10 टाइम्स में हमने वैल्यूएशन डाला और उसका 10%। सो वी आर फ्लेक्सिबल ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मॉडल। ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है कि इस बेसिस पे ऐसे करके फंड रहे हैं। आप अगले 4 साल तक 5 करोड़ का रेवेन्यू नहीं करोगे? नहीं, एक्चुअली देखिए आदित्य, आई थिंक जो मोहित बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका मोट, और मोट का मतलब जस्ट फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो, कि कोई भी एक किला पे पुराने जमाने पे एक जो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग होती थी जो एनिमीज को अंदर आने से रोकती थी, व्हाट इज योर बैरियर टू एंट्री फॉर एनीबडी एल्स टू कम इन। कि कल को अगर कोई 10 ड्राइवर और ट्रेन करके अपनी ईवी 10 व्हीकल लगाकर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोर्ड पे ला ले, व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू यू, वो ये पूछना चाह रहे हैं। देयर इज ऑलरेडी अ कंपनी, दोज आर ऑफरिंग सच सर्विसेज, वो ऑलरेडी वो इस तरह से एक ऑन कॉल सर्विस ईवी के लिए वो प्रोवाइड करा रहे हैं। बट एंट्री लेवल बैरियर जो हम यहाँ सोच रहे हैं कि जो हम डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँच रहे हैं, बिकॉज जिस नंबर तक हम पहुँच रहे हैं उन्होंने भी वो ट्राई किया है, बट दे थिंक दैट कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप डाउनलोड कर लेगा, ऐप चला जाएगा। तो वी आर रीचिंग आउट टू डिस्ट्रीब्यूटर और जितने नंबर को चेस हम कर रहे हैं फर्स्ट मूव एडवांटेज, हमको लगता है वही एक हमारा एंट्री लेवल बैरियर होगा। बिकॉज और एक तो मैम ये एंड था, दूसरे एंड पे जो कॉम्पिटिटर आया है, ये कभी भी एक बड़ा प्लेयर आएगा वो हमेशा 100x के मल्टीपल की बात करेगा कि मैं एक साथ 5,000 व्हीकल्स लेके आऊंगा। तो वहां पर उनका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, बिकॉज वो हमेशा बड़े प्लेयर की तरफ जा रहे हैं लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, राइट। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसमें पूरा डाइवर्सिफाई है, अगर 5-10% ऊपर भी नीचे हो गया तो पूरे मेरी 100 फ्लीट खड़ी नहीं है, वो चल रही है। तो धीरे धीरे, इसीलिए मैम बोल रहे हैं कि हमने इस साल का टारगेट सिर्फ 200 रखा हुआ है, बट वी नो कि यही एक हमारा एंट्री लेवल बैरियर होने वाला है कि हाँ छोटे छोटे सेगमेंट में कोई भी इसको उतार सकता है, पर धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 2022 में आपको डाइवर्सिफिकेशन क्यों चाहिए? अगर मैं अमेज़न हूँ, हाँ, तो मैं साल का $10 बिलियन का GMV करता हूँ, right. तो उसमें डाइवर्सिफाई क्या करना है? शायद 10 की जगह मैं 8.5 करूंगा, फिर भी काफी है। बनो अमेज़न, अमेज़न के सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बन जाओ। क्यों फार्मा चाहिए, क्यों आपको 5 और चीजें चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसमें क्योंकि हमने सर मुझे नहीं पता, हमें बताना चाहिए, बट वी हैव क्लोजली ऑब्जर्व दिस थिंग कि कुछ एक कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके फ्लीट्स खड़े हैं, देयर वाज सम इश्यूज, तो उनको अब उनका जो रेंटल है या उनकी जो फाइनेंसेस हैं, जो क्योंकि उन्होंने भी प्रोक्योरमेंट डेट फाइनेंसिंग के मॉडल से किया, उनको EMI के भी थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट अमेज़न से साइन अप है उनके, और उनके साइन अप है पर वो अगले क्वार्टर में डाउन कर देते हैं, जैसे 200 व्हीकल ले लिया उन्होंने। ये इश्यूज आपको भी आ सकते हैं ना, क्योंकि आप भी अभी बोल रहे हैं आप डेट फाइनेंसिंग के मॉडल पे जाओगे। सर पर हमारे में अब जैसे वहां पर है सीधा अमेज़न, जैसे 100 व्हीकल लेता है 2 क्वार्टर के लिए ले लिया, तीसरे क्वार्टर में उसने सीधा मना कर दिया, अब मुझे 100 व्हीकल डिप्लॉय करने के लिए मार्केट ढूंढना पड़ेगा ना। पर यहाँ पे जो मैं 100 बोल रहा हूँ उसमें से 50 डिस्ट्रीब्यूटर है, हर के पास 2-2 है, तो वो सीधा 50 के 50 नो नहीं बोलेंगे। सर मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात हम डिमांड साइड पे कर रहे हैं, डेट फाइनेंसिंग है तो इट मींस कि मेरा जो डिमांड साइड है वो डाइवर्सिफाई। ये डिस्ट्रीब्यूटर लाते लाते चप्पल घिस जाएगी हम सबकी। वी नो सर, मतलब ये 5 करोड़ विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही करना पड़ेगा, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाके खुद जाके बात करनी पड़ेगी। तो 150-200 साल लग जाएंगे आपको ये बिजनेस बनाने में। अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, हम मतलब हमने प्लान तो रेडी कर लिया पर हम बोलते नहीं है, क्योंकि हम टेक टीम अभी इनेबल करेंगे 2nd क्वार्टर में, अभी हम सिंपल धंधा चला रहे हैं। बट बेसिकली जो सिंपल रूट ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ होती है उस पर हम आने वाले हैं। हम हमारे कार्गो के बॉक्स में कैमरा लगाने वाले हैं जिससे कि अपना वो कार्गो मॉनिटर कर सकता है। तो ये चीज़ हम बोलते नहीं क्योंकि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डिफरेंट फैक्टर आता है, तो उससे हम बड़ी चीज़ें इंबाइब करने वाले हैं जो इस मार्केट में नहीं है। आपके बिजनेस मॉडल में आप हर चीज़ खुद से बनाना चाहते हो, आप EV भी खुद से बनाओगे, आप फाइनेंसिंग भी खुद से करोगे, आप चार्जिंग भी खुद से करोगे, आप
डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलोगे भी खुद से, ये मेरी प्रॉब्लम है। सर ईवी हम लोग खुद नहीं बना रहे हैं, राइट, प्रोक्योर कर रहे हो उसको, उसके डिमेंशन आप डिजाइन टीम में भी घुस रहे हो कि भाई ऐसे डिजाइन करना, 1000 किलो का उसमें पेलोड होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि देर आर टू मेनी थिंग्स यू आर डूइंग एंड देर आर ग्रेट वर्टिकल स्पेशलिस्ट फॉर ईच थिंग दैट यू डू। कम इन एज इन्वेस्टर्स, जहां आज हमने 1x पैसा लगाया है और कल को इन द अपॉर्चुनिटी कि वो 1x 10x 100x बने, वो स्केलेबिलिटी अगर आप ऐसे अपना बिजनेस को ग्रो करोगे तो वो कभी नहीं दिखेगी। वो स्केलेबिलिटी तभी आएगी जब आप एक छोटा नीश चूज करेंगे और उसमें अपना मोनोपोली बनाएंगे। अंकिता, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आरती और आई थिंक मोहित ने, दोनों ने आपको एक फीडबैक दिया है कि आप यू आर ट्राइंग टू डू एवरी थिंग, पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक दो चीज़ें पकड़ें और उसमें अपनी पहचान बनाएं, राइट? ये काफ़ी कम्पेटिटिव स्पेस है, ऑफकोर्स मच नीडेड बट वेरी कम्पेटिटिव। अभी आपके काफ़ी ज़्यादा मूविंग पार्ट्स भी हैं एंड आपका जो वैल्यूएशन है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ रेंज एंड नॉट जस्टिफाइबल, यू नो। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फॉर मी टुडे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आई एम डेफिनेटली आउट। मुझे लगता है कि हमारे हॉर्सेस की जो सोच है थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत बदल सकती है अगर हम डॉक्टर बिंद्रा से इस बीच बात कर ले तो, जो कि हमारे मेंटोर हैं और स्टार्टअप गुरु भी हैं। ओवर टू यू डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद, थैंक यू। मैं यहाँ पे हॉर्सेस और आदित्य और हेमंत आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। एक, आपका जो वैल्यूएशन का आस्क है वो थोड़ी एब्सर्ड है, परंतु आपके बिजनेस में पोटेंशियल है। एक, आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कॉस्ट ऑफ ओनिंग एक बड़ा चैलेंज है, उसके बाद वो एसेट डिप्रिशिएटिंग एसेट है चैलेंज है, उसके बाद उसको ऑपरेट करने का वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है फोकस्ड होकर आपको भाव बतानी चाहिए अपनी एज अ फाउंडर, और रिलायबिलिटी अपना बड़ा चैलेंज है, जिन चारों को मुझे लगता है आपने अच्छे से सॉल्व किया है। फिर मैं मैक्रो में देखता हूं तो इलेक्ट्रिक जो है 14% है अभी टोटल का इस समय प्रपोर्शन, जो इस समय 45% हो जाएगा, और एस्टिमेट चेक किया था मैंने वो 75% हो जाएगा 2030 में, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इस समय यह अडॉप्शन कर्व में आगे जाएगा, हायर हाई हायर लो। पेट्रोल डीजल की अभी महंगाई है उससे मच गई है हाई हाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा उपाय ये पक्का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चेक करना है क्या ड्राइवर आपके पेरोल पे है, और अगर ड्राइवर आपके पेरोल पे है तो मुझे लगता है वो डाउन साइड है। ड्राइवर विल एक्ट एज एन इन्वेंट्री, उसको निकालने में नहीं बनेगा और बिठाए रखने में भी नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि आपको क्विकली अपना इस समय आस्क बदलना चाहिए, और किसी तरीके से अगर हॉर्सेस जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको भी अपना काउंटर ऑफर करना चाहिए। आदित्य, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसका होता है बड़ा गोल और एक जिसकी होती है जिंदगी गोल गोल। मल्टीपल बिजनेसेस में जाना, कृष्ण कहते हैं बहु शाखा ही अनंतश्च, बाकी यथा इच्छति तथा करो। धन्यवाद। मुझे लगता है इसने काफी आपको मोटिवेट भी किया होगा, ऊर्जा से और भर दिया होगा। Definitely. तो आप लोग भी क्या फिर से कुछ सोचने को तैयार है? अगर आपका क्वेश्चन हमारे वैल्यूएशन और हमारे आस्क पे है, अगर इफ दैट्स द क्वेश्चन, अगर इंटरेस्ट है तो हम बात कर सकते हैं, पर मतलब आपके राय जानना चाहते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन से क्वेश्चन है, एक वैल्यूएशन पे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, काफी सारे क्वेश्चन है, बिजनेस मॉडल से लेके रेवेन्यू स्ट्रीम्स से लेके कॉस्ट स्ट्रक्चर से लेके फिर वैल्यूएशन की बात आती है। आई थिंक आई विल गो फर्स्ट, आई हैव माय आंसर। अभी आप थोड़ा सा अर्ली हैं किसी इन्वेस्टर को लाने के लिए, आप अभी थोड़ा सा इसको अपना बिजनेस टाइप का मान के एक्सप्लोर करिए कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, वो ठीक है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी कि मैं किससे कहाँ से क्या ले सकता हूँ। एक्सप्लोर करने के बाद जब आप अपना नीश आइडेंटिफाई कर लेंगे और तब आप जब उसमें एक्सेल कर जाएंगे, तब आप आइए किसी इन्वेस्टर के पास अपना क्लियर विजन लेके कि मुझे पता है ये सक्सीड होगा और ये स्केल करेगा एंड आई विल डू दिस टिल देन। बट अगर आपके पास वो 30% IRR वाला ऑप्शन खुलता है तो साइन मी अप फॉर 10 व्हीकल्स। क्या बात है अंकिता, आप क्या बोलेंगे? आप काफ़ी चीज़ें अभी कर रहे हैं, आप अपनी पहचान बनाइए, फोकस ऑन वन और टू थिंग्स, क्रिएट अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल, राइट? बिकॉज आई थिंक जैसे लोगों ने पॉइंट आउट किया है, अभी आपका बिजनेस मॉडल एक तो प्री रेवेन्यू है, तो इट्स वेरी अर्ली फॉर मी ऑल्सो, बट इट्स नॉट इन्वेस्टेबल राइट नाउ फॉर अ वेंचर फंड ऑफ एनी वन हु इज लुकिंग फॉर मल्टीपल रिटर्न्स, राइट? सो आई थिंक आप उस पर फोकस करिए एंड कम बैक, बट टुडे आई एम आउट। थैंक यू। कोई बात नहीं। मंदार साहब, इस बिजनेस मॉडल में जहाँ पे 3-4-5 चीज़ें एक साथ हो रही है, आप बोल रहे हो यू नो सारा कुछ
एक एक साथ मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, अभी भी नहीं बैठ रहा है। तो मैं शायद, जैसे मोहित ने बोला, मैं शायद रिग्रेट करूंगा ना आने का, लेकिन मैं आज नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज राइट, जहाँ पे हम आपको मिल रहे हैं, हमारी कुछ कंसोलिडेटेड लर्निंग्स हैं। और ये पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा पैशनेट हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ जो आपका बिजनेस है ना, इसमें तीन मैं अपने खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो कंपनी देख पा रहा हूँ। एक है ईकॉम एक्सप्रेस, हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी, ठीक है। दूसरा है ग्रैब, जो पूरा रिलायंस का बैकएंड बनाया है, ठीक है, पूरा जियो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। तीसरा है बोल्ट, जो मेरा हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन है। आप ये तीनों, और ये तीन महारथी फाउंडर जिन्होंने ये तीन कंपनियां बनाई हैं, एक यूनिकॉर्न बन गई, दूसरी बन जाएगी, ठीक है, और तीसरी हायर की गई है रिलायंस ने। ये तीनों का डीएनए इतना अलग है, जब मैं सोचता हूँ कि इन तीनों को आप एक साथ बनाना चाहते हो, तो मुझे तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विच इज़ वाई आई एम आउट ऑफ दिस डील। थैंक यू। इट्स नॉट द वैल्यूएशन, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स दिस एग्जीक्यूशन। You have learnings. I will love to reconnect with you. Definitely, sir. We'll definitely reconnect with the pilot that we have for the 10. जो इन्होंने points उठाए हैं, बहुत ही valid points हैं। मुझे लगता है इसके बारे में आप लोगों को बाद में सोचना भी चाहिए। लेकिन यामिका से एक बार पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचती हैं। तो एक interesting सा offer मेरे दिमाग में है कि हम valuation को रख देते हैं side पे अभी, क्योंकि आई फील कि क्लियरली उस पर अभी अग्रीमेंट नहीं पहुँच सकते हम। रेवेन्यू आया भी नहीं, ऑन पेपर रेवेन्यू पे हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। तो मैं जो डील आपको देना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली आपकी जो कंप्लीट टास्क है वो मैं पूरा नहीं कर सकती फ्रॉम माय बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट आई एम ऑफरिंग यू इज 50 लाख ऑन अ 25% डिस्काउंटेड कन्वर्टेबल नोट। आपका जो भी अगला वैल्यूएशन राउंड होगा उस पर मुझे 25% डिस्काउंट चाहिए टू कम इन विद दिस 50 लाख, एंड देन ऑफकोर्स लोड्स एंड लोड्स ऑफ हेल्प to help you refine your business model, to ensure that ये exponential हो आपकी growth, and to make sure कि आपके पास सही technology हो to get there. यामिका, आपको cap भी define करना है? नहीं, मत करना, it's a good deal for them. मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यामिका ने अपनी बात इन्होंने कह दी है और अपनी तरफ से offer कर दिया है, but still आप डॉक्टर बिंद्रा की राय ले सकते हैं। आप जाइए उनसे बात करिए और फिर आप वापस आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आमिका, हम एक बार बात करके आते हैं। थैंक यू। मुस्कुराहट है और डॉक्टर बिंद्रा से बातचीत भी हो गई है। क्या कहा उन्होंने इस ऑफर के बारे में? तो उन्होंने कहा कि मतलब पहले तो ये रिकॉग्नाइज कीजिए, उन्होंने वैल्यूएशन एस्पेक्ट साइड रख के ऑफर दिया है, सो दैट्स अ बिग लेवल ऑफ लाइक अ ट्रस्ट फैक्टर, एंड हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड उन्होंने कहा कि ये हम ले सकते हैं, उन्होंने भी हमारा मॉडल समझा है कैसे करना है, और क्लैरिटी उन्होंने बोला थोड़ी और बनाइए उस तरफ। यामिका, फाइनली आपसे, मेरा ऑफर ऑलरेडी है, मैंने विश्वास दिखाया है आपके ऊपर। चलिए सीधे सीधे, यामिका ने जो ऑफर दिया आपको मंजूर है? हाँ जी, because more than money, this expertise or that confidence that you are, you know, showing, that is very much valuable for us. And so, we are very thankful for that, and we would like to accept this offer. Thank you so much. Great. Thank you. Guys. तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है। दोस्त तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है।